वेलकम इन माय चैनल कविताज क्लासेज। आज हम लोग क्लास वन के SST में द अर्ली मैन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द लाइफ ऑफ मैन वॉज डिफरेंट। आज से बहुत कई वर्षों पहले मनुष्यों का जीवन अभी के जीवन से काफ़ी अलग था। इन द बिगनिंग द अर्ली मैन डिड नॉट वियर एनी क्लोथ्स। शुरुआत में मनुष्य आदमी जो होते थे वो कुछ भी नहीं पहनते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स स्किन एंड लीव्स टू कवर हिज बॉडी। धीरे धीरे मनुष्यों ने जानवर के छाल को पत्तों से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। ही डिड नॉट इन फैक्ट नो हाउ टू मेक क्लोथ। वह इस चीज़ को नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बनाए जाता है। देखिए इस तरह लोग रहते थे पहले के जीवन में, पहले आज से कई वर्षों पहले। ही एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ही ऑल्सो हंटेड एनिमल्स टू गेट मीट। ही डिड नॉट नो अबाउट द यूज ऑफ फायर एंड एट एवरी थिंग रॉ। वे सभी फलों पौधों के जड़ों को खाते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे ताकि उनसे मीट मिले और उसे खाएं, और उन्हें आग की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वे सब कुछ कच्चा ही खाते थे। ठीक है, चाहे जानवर को मारकर, जानवर कैसे करते हैं कि किसी जीव को मारते हैं, मारकर कच्चा खा जाते हैं। तो जिस समय आग के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस समय लोग इसी तरह किसी भी जीव का शिकार करते थे, उसे मारकर कच्चा खा लेते थे। द अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक हाउसेस। ही लिव्ड इन केव्स एंड ऑन ट्रीज। पहले के आदि मानव जो थे, मतलब बहुत पहले के मनुष्य, उन्हें आदि मानव कहा जाता है। तो आदि मानव थे, उन्हें वे नहीं जानते थे कि घर कैसे बनाते हैं। वे घर के बारे में जानते ही नहीं थे। उन्हें जहाँ भी जगह मिलती थी, किसी इस तरह के गुफा में या किसी पेड़ पर ही वे रह लेते थे। देखिए, He made tools and weapons using bones and stone. He used these tools and weapons to protect himself from wild animals. He also used them to hunt animals and dig out the roots of plants. वे सभी आदि मनुष्य जो होते थे, वे हड्डी, पत्थर, इन सभी का उपयोग करके हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, और इन औजारों का उपयोग वे अपने सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से अपने सुरक्षा के लिए यूज करते थे, और वे इन सभी औजारों का उपयोग जानवरों का शिकार करने में भी करते थे, या पेड़ों के मिट्टी को खोदकर पौधों के जड़ों को बाहर निकाल कर खाने में भी इन वेपन्स का यूज करते थे। देखिए इस तरह के हथियार होते थे, इस तरह के हथियार बनाते थे आदि मानव, इस तरह के हथियार होते थे उनके पास। देखिए पहले लोग इस तरह से शिकार करते थे, सब लोग घेरते थे हथियार से, फिर बड़े से बड़े जानवर का इस तरह शिकार करते थे। वन डे द अर्ली मैन सॉ स्पार्क कमिंग फ्रॉम टू स्टोन्स वाइल ही वॉज स्ट्राइकिंग देम टुगेदर। दैट वॉज हाउ ही गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग फायर। नाउ ही कुड मेक फायर वेन नीडेड। एक दिन जब वे दो पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, मतलब कि इस तरह जो कैसे दो पत्थर को आपस में टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, तो उसी तरह वे भी दो पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे तो उससे अचानक चिंगारी निकली। तो इस तरह उन्हें आग बनाने का आइडिया आया कि इस तरह आग इस तरह से बनता है, मतलब इस तरह से वे आग का अपने लिए आग बना सकते हैं। उसके बाद उन्हें जब कभी भी आग की ज़रूरत होती वे आग अपने लिए बना लेते। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर द अर्ली मैन स्टार्टेड कुकिंग फूड। ही यूज्ड फायर टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स। आग की खोज के बाद मनुष्यों ने खाना को पकाकर खाना शुरू किया। वे जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी आग का उपयोग करते थे।
कैसे आग का उपयोग करते थे, जैसे वो किसी गुफा में रह रहे हो तो उस गुफा के बाहर आग जला कर छोड़ देते थे, तो आग से तो सभी जानवर डरते थे, तो आग की वजह से वे वहाँ गुफा के अंदर घुस नहीं पाते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाते थे। फायर ऑल्सो गेव लाइट्स टू हिज केव, और आग जलने से गुफाओं में रोशनी भी होती थी। दस फायर ब्रॉट मैनी चेंजेज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, और इस तरह से आग आदि मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेके आया। सोचिए जब आग नहीं रहा होगा तो लोग कैसे रहते होंगे, रात के अंधेरे में कैसे रहते होंगे, खाना तो कच्चा ही खाते थे, चाहे किसी जानवर को मारकर खा रहे हो, किसी का मीट खा रहे हो, या फिर कुछ फल सब्जी वगैरह खा रहे हो, सभी मतलब समझिए कि जानवर की तरह खाते थे पहले। लेकिन जब जानवर का खोज हुआ उसके बाद मनुष्यों के लाइफ में बहुत बहुत सारी चीज़ें बदली। रात में भी प्रकाश आया देखने के लिए, अब उन्हें लाइट रहने से सुविधा होती ही है, तो रात में भी वह एक आग की सहायता से देख पाते थे। अब उनके पास जंगली जानवरों से रात में बचने का एक बड़ा हथियार था आग। देखिए इस तरह दो पत्थरों को टकराकर आग बनाते थे, जंगली जानवरों से इस तरह खुद की रक्षा करते थे। जंगली जानवर तो सभी झुंड में रहते थे ना, तो झुंड में सभी आक्रमण करने से तो वे खुद इस तरह आग जलाकर जानवरों से अपनी रक्षा करते थे, अपने को बचाते थे इस तरह। देखो ये सभी मनुष्य लोग हैं, ये सभी जानवर का झुंड है जो यहाँ पर हमला करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। यह हथियार है, पत्थरों से बने हुए हथियार हैं ये, जिनका उपयोग वे अपने पर्पसेस के लिए करते थे। ये हड्डियों से बने हुए वेपन्स हैं, ये जानवरों या पत्तों को